अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फेसबुक का नेम जो है वो कैसे एडिट कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक का नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड सब कुछ इस वीडियो में, आप लोग ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपलोड को सब्सक्राइब नहीं करते पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले अपना फेसबुक का आईडी नेम जो है वो यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मेरा फेसबुक आईडी नेम देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ऊपर प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने सिंपली प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ सेटिंग्स वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग ने यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नंबर वाला एक ऑप्शन है अकाउंट सेंटर, तो आप लोग ने यहाँ पर अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रोफाइल्स वाला ऑप्शन है तो आप लोग ने सिंपली प्रोफाइल्स पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अपने फेसबुक आईडी को सेलेक्ट कर देना है जिसकी आप नेम चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना फेसबुक अकाउंट को सेलेक्ट कर दिया है। फेसबुक अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग के साथ चार ऑप्शन है, तो आप लोग ने यहाँ पर जो नेम वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर देना है। नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ जो मेरे फेसबुक आई डी नेम है वो यहाँ पर शो हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने इसको एडिट कैसे कर देना है, तो आप लोग ने सिंपली अपने फर्स्ट नेम पर क्लिक कर देना है और आप लोग इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं और फिर इसी तरीके से आप लोग अपने लास्ट नेम को भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर अपने आईडी नेम को एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है रिव्यू चेंजेस, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने रिव्यू चेंज पर क्लिक कर देना है। रिव्यू चेंज पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपने नेम को रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब आप लोग अपने नेम में रद्द बदल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली अपने नेम को एडिट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर अपने नेम को जो नंबर पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर इसको सेव करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग साथ थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद आप लोग का जो फेसबुक आईडी नेम है तो वो एडिट हो जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।